नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का टीवी इंडिया 18 में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। प्रगतिशील सतनामी समाज युवा नवागढ़ ब्लॉक का गठन आज राछा भाटा नवागढ़ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के जिला संरक्षक श्री पीपी सांडे जी एवं अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष श्री डमरू प्रसाद मनहर जी एवं विशिष्ट अतिथि संगठन की युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुशील भारद्वाज और संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री इतवारी खूंटे, साथ ही साथ जिला एवं ब्लॉक के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा गुर्खा सीदास जी एवं बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा में श्रद्धार्पित किया। कार्यक्रम में नवागढ़ क्षेत्र के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे सर्वसम्मति से क्षेत्र में हमेशा से सक्रिय हो रहे युवा कार्यकर्ता किशन बघेल को ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। किशन बघेल के अध्यक्ष बनने के समाज के सभी युवाओं में काफ़ी उत्साह और खुशी देखने को मिली। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष अमित खूंटे, सचिव करण टंडन, सह सचिव मोहर सिंह, उपाध्यक्ष प्रदीप दिवाकर, संतोष अक्षगले को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में आभार व्यक्त करते हुए किशन बघेल ने कहा कि मैं समाज के युवाओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने में निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगा। कार्यक्रम का संचालन श्री मोहन दिवाकर द्वारा किया गया। जांच के चंपर से अजय यादव की रिपोर्ट। तो जय सतनाम, जय भीम। मेरा नाम किशन कुमार बघेल, ग्राम पंचायत ठाकुरदिया से। आज प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज नवागढ़ ब्लॉक युवा प्रकोष्ठ का और महिला प्रकोष्ठ का चुनाव संबंधी चुनाव का गठन किया गया था। चुनाव से हुआ कि मनोनयन से हुआ, स्पष्ट करें। मनोनयन से, हाँ वही चीज़। जिसमें जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी एवं युवा साथियों के सर्वसम्मति से मुझे ब्लॉक अध्यक्ष का जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं युवाओं के विश्वास पर खरा उतरूंगा और समाज को, संगठन को मजबूत करने में हमेशा निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगा। सभी को जय सतनाम। मैं सुशील कुमार भारद्वाज, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, जांजगीर चांपा जिला अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ। आज नवागढ़ ब्लॉक में हम लोगों ने प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के लिए ब्लॉक अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ का पदाधिकारियों का चयन किया है, जो सर्वसम्मति और सर्व समाज के द्वारा किया गया। हमें खुशी है कि हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज में पुनहार और मिशन को और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा साथियों ने बखूबी अपना योगदान दिया। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं मेरी। और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रहे। युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ से भी निवेदन है कि आप लोग अपने अपने कर्तव्यों पर निष्ठा से निर्वहन करेंगे। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जिला अध्यक्ष है। आज हम लोग नवागढ़ ब्लॉक में पूर्व से सूचना देकर के समाज के लोगों को युवा प्रकोष्ठ एवं महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन करने के लिए बुलाए थे और हम सभी लोगों का सुझाव लेकर के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी को निर्विरोध हम लोग मनोनीत किए हैं। महिला प्रकोष्ठ को भी मनोनीत किए हैं। हमारी शुभकामना है, हम उनको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से समाज के साथ चल के समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, या शैक्षणिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो, हर प्रकार का इन लोग समाज को अपना योगदान देने की बात बोले हैं और हमारा सहयोग रहेगा। तो बताइए आज क्या क्या हुआ नवागढ़ पे। आज मैं हेमा मनहर, रामपुरी से, और आज मैं आप सभी लोगों के सहमति से ब्लॉक कमेटी की और हमारे जिला बॉडी की सभी की उपस्थिति में, सहमति में, आज मैं प्रगतिशील सतनामी समाज की मनोनीत अध्यक्ष चुनी गई हूँ। और इसमें हमारे महिलाओं की भागीदारी पहले नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगी हमारे समाज के भाई बंधु, बुजुर्ग सभी को कि आज महिलाओं की भागीदारी उन्होंने रखी। इसके लिए मैं अत्यंत खुश हूँ और अपने साथ साथ आज मैं अपनी और बहन बेटियां हैं उनके साथ मिल करके महिलाओं की आर्थिक स्थिति के साथ साथ उनकी जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो कि शिक्षित होते हुए भी आज
कहीं ना कहीं घर की चार दीवारी में दबी हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम महिलाओं को, जो एक्टिव महिलाएं, उनको साथ में लेकर के आज महिलाओं के आर्थिक स्थिति को और उनको मोटिवेशन करने के लिए, उनकी नारी शक्ति को नारी सशक्त बनाने के लिए हम सहमति से काम करने के लिए तत्पर